हे गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मिस्ट्रियस फैक्ट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के कुछ श्रापित और रहस्यमय द्वीप के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, क्योंकि ऐसे ही रहस्यमय और अमेजिंग वीडियो में आपके लिए रात आता रहता है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे दुनिया में बहुत सारे अजीब घटनाएं या नए नए रहस्य का पता चलते ही रहते हैं। ऐसे ही हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसे रहस्यमय और श्रापित द्वीप हैं जिधर कोई भी मनुष्य प्राणी या जीवन नहीं है। तो आज हम ऐसे ही पांच श्रापित और रहस्यमय द्वीपों के बारे में जानेंगे। नंबर 5, लैंकावी आइसलैंड मलेशिया। लैंकावी द्वीप मलेशिया के तट पर मौजूद है। वहाँ वर्ल्डन ट्रेन वन सुंदर झरने और सफेद रेत है और है उसके साथ समुद्र तटों की इच्छा, हत्या और अलौकिक प्रतिशोध की एक प्रसिद्ध कहानी। लैंकावी पे पहले बहुत लोग रहते थे, पर उस अभिशाप के चलते पूरा द्वीप अब खाली खाली सा रहता है। उस शाप के पीछे की कहानी आज हम जानेंगे। उस द्वीप पर मसूरी नाम की एक सुंदर लड़की रहती। उसने एक वैन डेरुस नामक एक योद्धा के साथ शादी की, पर बर्मिस यामिस के वॉर चलते वैन डेरुस को युद्ध में बुलाया गया था। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने एक खूबसूरत यात्री को रहने के लिए जगह दी। मसूरी का हेतु शुद्ध और सरल था, उसके मन में कोई दूसरा ख्याल नहीं था, पर उस द्वीप की अन्य महिलाएं उस पर चलती थी क्योंकि वो खूबसूरत यात्री उसके घर गया था। थोड़ी देर बाद द्वीप पर उनके संबंध की झूठी कहानियां चालू हो गई और उस द्वीप की महिलाएं के मन में उसके खिलाफ जलन और प्रतिशोध बढ़ता रहा। जलन और प्रतिशोध के चलते उन्होंने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला और उसे खेतों में दफनाया गया। मरते वक्त मसूरी ने एक श्राप दिया कि अगले 7 पीढ़ियों तक ये द्वीप सुनसान रहेगा, इधर कोई भी सुख शांति नहीं रहेगी। नंबर 4, अर्थक्वेक आइलैंड। सितंबर 2013 में पाकिस्तान में 39 लोगों की मौत और सैकड़ों घरों को नष्ट किए शक्तिशाली भूकंप ने एक द्वीप आइलैंड को बनाया। पाकिस्तान के मेन वेदर साइंटिस्ट मोहम्मद रियाज ने कहा कि ये भूकंप 7.7 मैग्नीट्यूड का था, पर कोलोराडो में अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वे से ये दावा है कि ये भूकंप 7.8 मैग्नीट्यूड का था। भूकंप के पहले ये द्वीप मौजूद नहीं था, पर भूकंप के बाद उधर के स्थानीय लोगों ने बताया कि वहाँ एक छोटे द्वीप का निर्माण हुआ है जिसकी लंबाई 100 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर तक है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि यह संभव है कि भूकंप ने समुद्र के नीचे की जमीन को गिराया होगा और उससे द्वीप का निर्माण हुआ होगा, पर अभी तक इसकी असली वजह मालूम नहीं हुई है। नंबर 3, फ्लोटिंग आई आइलैंड। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स प्रांत में कैम्पेना और जराटे के शहर के बीच पाराना डेल्टा में स्थित एक द्वीप है जो लगभग 120 मीटर डायमीटर का है और वो लगभग एक सर्कल की तरह है। वो एक ऐसे चैनल से घिरा हुआ है जो पूरा सर्कल बनाता है। इसके अंदर एक गोल जमीन है और जो चैनल है वो साइड से घिरा हुआ है तो एक अर्धचंद्र की तरह दिखता है। तो ऊपर से आप देखोगे द्वीप और उसके बाजू से घिरा हुआ चैनल एक आय आग की तरह दिखेगा और उसकी खोज कोई साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने नहीं की है, उसकी खोज मात्र एक फिल्म डायरेक्टर सर्जियो नेस्पिलर ने की है। वो 2016 में साइंस फिक्शन मूवी के लिए कुछ स्पॉट्स देख रहे थे तब उन्होंने इसे ढूंढा। नंबर 2, चार्ल्स आइलैंड। यूएसए के कनेक्टिकट के तट पर बसा हुआ चार्ल्स आइलैंड अपने शापों के लिए प्रसिद्ध है, तो आज हम वो शाप जानेंगे। इसमें से पहला शाप 1639 में वहाँ के एक स्थायी क्यूक्सेट चीफ ने दिया था।
द्वीप को वहाँ के लोग आध्यात्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। और जब प्यूक्सेट और द्वीप के लोगों के साथ एक झगड़ा पैदा हुआ तब प्यूक्सेट उस झगड़े में हार मान ली, पर जाते समय उसने उस द्वीप को श्राप दे दिया। दूसरा श्राप ये था कि समुद्र डाकू कैप्टन कीट ने दिया था। वो अपने अंतिम महान यात्रा के दौरान चार्ल्स आइलैंड पर अपने कदम रखे थे। उन्होंने कुछ अपना खजाना चार्ल्स आइलैंड में दफनाया था और एक श्राप रखा कि जो कोई भी उस दफन किए गए खजाने को परेशान करेगा उसकी मौत हो जाएगी। नंबर 1, इसाला बर्मेजा द लॉस्ट आइलैंड। 17वीं दशक के टीटिंग के नक्शे के अनुसार ये द्वीप मेक्सिको के तट से बहुत ही दूर दिखाई गया था। ये द्वीप अपने तेल और संयुक्त संस्थानों के अतिक्रमण को रोकने के लिए था, पर एक समस्या थी। 2009 के नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको के अध्ययन के अनुसार ये पता चला कि ये द्वीप मौजूद ही नहीं है। मतलब जहाँ होना चाहिए था वो वहाँ नहीं है, वो कहीं और स्थित है। अंडरवाटर सेंसिंग डिवाइस और एरियल रिकोनेशंस असिस्ट का उपयोग करके सर्च टीम वहाँ छानबीन करने जा गई, पर वहाँ पर ये द्वीप अभी के नक्शे के अनुसार मौजूद ही नहीं मिला। इसकी मिसिंग की पहली रिपोर्ट एक नेवी ने दी थी कि वो ये द्वीप के उधर जा रहे थे तब उन्हें ये द्वीप कहीं भी नहीं मिल रहा था। रुको, ये सिर्फ पार्ट 1 है, और भी कुछ ऐसे आइलैंड है जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो ऐसे मिस्ट्रियस और रहस्यमय आइलैंड को जानने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक रहस्यमय वीडियो के साथ।